नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जी दो लोगों की मौत की खबर है, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही देहात थाना पुलिस के द्वारा तत्कालीन घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया, तो वहीं मृतकों को स्वग्राम में रखवाया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम आपको बता दें कि दमोह जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक बुकलेन रखे हुए ट्रारा तथा दूध परिवहन करने वाले वाहन में जोरदार टक्कर हो गई और इसी टक्कर के दौरान एक बाइक सवार हादसे की चपेट में आ गया और इस हादसे में बाइक सवार पुरुष और एक महिला की दर्दनाक मृत्यु की खबर है। हम आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, आप विजुअल्स देख सकते हैं, तो वहीं दूध वाहन और ट्राला भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में दूध वाहन के ड्राइवर क्लीनर को चोटें आने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं बाइक सवार महिला और पुरुष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। घटना की जानकारी लगते ही देहात थाना पुलिस के द्वारा तत्काल ही घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया, तो वहीं मृतकों को स्वग्राम में रखवाया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक ट्रक जो प्रोक्लेन लिया था और एक दूध वाहन, ये आपस में टकराए हैं और बीच में एक बाइक सवार आ गया। तो बाइक सवार एक पुरुष और एक महिला, ये इन दो की कैजुअल्टी हुई है। और ये जो ट्रक है जिसमें प्रोक्लेन थी वो यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और दूध वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कार्रवाई की जा रही है।